हेलो एवरीवन, चेक करिया आमे डाटा इंटरप्रिटेशन रे अप्रोच फॉर ओएसडी सीजीएल। बहुत जन स्टूडेंट्स मेसेज करती, कमेंट भी करती कि सर डीआई पे अप्रोच कहतु, आमर स्ट्रेटेजी कौन होगा दरकार। एक्चुअल क्वेश्चन नहीं कि ना स्ट्रेटेजी डिस्कस करिया है, मुझे किसी स्ट्रेटेजी कहबी नहीं, एटा होची एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ ओएसडी सीजीएल। गोटे कैलकुलेशन इंटेंसिव सेट मुझे नेबी जोटे अधिका कैलकुलेशन थी है, आप मार्क करेंगे मार्क मे वर्ड्स वेरी केयरफुल। आपण मार्क करेंगे आप असुविधा कौन कर डाटा इंटरप्रिटेशन कर डाटा कैलकुलेशन कर ठीक अच्छे चेक करिए स्ट्राटेजी आपको यूट जना पड़ो। आ गोटे जिन पे मन रखी थे स्ट्राटेजी बेसी गप आपन को कहटा मत ठीक लगे ना, स्ट्राटेजी एक्चुअल क्वेश्चन सल्व करा आपको स्ट्राटेजी कह दरकार, दैट इज एक्चुअल स्ट्राटेजी। खाली गप गपी देवी सिलेबस देखेदेवी बही देखेदेवी से कौन दैट इज नॉट स्ट्राटेजी है, यहाँ हूँ भ्यूज नबार तरीका है कहीं स्ट्राटेजी ये सब वार्ड गुड़ा पिला देखती बेसि एनिवे देखो ये दिस इज एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ ओएसएस सीजीएल, यहाँ ओएसएस सीजीएल रो एक्चुअल क्वेश्चन सेट नंबर सी ठीक अच्छे। अबिका मुझे देखेबी गोटे कैलकुलेशन वाला मुझे सेट नेबी जो पिला लगे कैलकुलेशन ठीक अच्छे, ताको आम के इजिली करा आप जापरेंगे कि आप्रोच कौन हो दरकार, डीआई आप कन्सेप्ट के इम्पोर्टाट आपठ बुझीपर। देख कन्सेप्चुआली विक् थी आपको डीआई लगे डिफिकल्ट, कन्सेप्चुआली आप स्ट्रंग अच्छे आज डीआई के फास्ट करना पड़े एवं बुझीपर। आप देखते यहाँ हूँ आप गोटे यहाँ ओएसएस सीजीएल 2022 क्वेश्चन है केमी सल्व कराया कथा, डीआई एक्चुअली सल्व कमी कराया कथा है। प्रथम पॉइंट फर्स्ट पॉइंट मुझे कहि आम डिस्कस कर स्ट्राटेजी बिले है मार्क करेंगे सब जिन आप केयरफुल जहाँ जहाँ कहु तार मार्क कली। फर्स्ट पॉइंट जहाँ मुझे शुणु जदि क्वेश्चन में आपन को परसेंटेज देती और मैंने क्वेश्चन ऑप्शंस रे क्वेश्चन में पचार परसेंटेज और रेशियो और एवरेज तीन टा जिन कहली परसेंटेज और रेशियो और एवरेज तीन टा जिन पचार एक्चुअल नंबर दरकार ना रेशियो कैलकुलेशन हो कहीं परसेंटेज रेशियो एवरेज हूँ रिलेटिव क्वांटिटी है एवरेज आप डिविजन रू बाहर जी परसेंटेज और रेशियो हूँ कंपेरिजन्स क्लियर। ये हमको एक्चुअल नंबर दरकार ना व्हाट डू आई मीन ये हम बुझीपरेंगे ये देखो ये सेटा बहुत स्टूडेंट्स को कैलकुलेटिव लगे क्वेश्चन नंबर देखो ये सेटा चार्टा क्वेश्चन अच्छी 117-120 चार्टा क्वेश्चन अच्छी है 117, 118, 119, 120 फोर क्वेश्चन है यहाँ पे लगे कैलकुलेटिव क्या नंबर देखो नंबर्स देखो कौ टाइप अच्छे नंबर्स कौ टाइप अच्छे है देखो 11486 एमती नंबर्स अच्छे पिला लगे कैलकुलेटिव बट यहाँ सब इजी सेट है कन्सेप्ट के इम्पोर्टेंट आप अबिका बुझीपरेंगे। देखो मुझे सल्व करुच्छे केत समय मतलब लगे हार्डली 2 मिनिट्स गोटे डी आई सेट लगे यहाँ आपड़ भी करेंगे बट आप पाठ पढ़िया दरकार भल टीचर टू। देखो ये दि फलोइंग पाई चार्ट शोज रिसोर्सेस ऑफ फंड्स टू बी कलेक्टेड बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर इट्स फेज टू प्रोजेक्ट्स स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर दि क्वेश्चन 117-120 दैट फॉलोज। ये आप पाई चार्ट पढ़ले ठीक अच्छे पाई चार्ट आप पढ़ले ये खाली पाई चार्ट को मार्क करूँ थे आम क्वेश्चन पर नजर पकैया क्वेश्चन देखते बोले है ये क्वेश्चन नंबर 17 बी परसेंटेज कथा कही क्वेश्चन नंबर 18 बी परसेंटेज कथा कही मार्क माई वर्ड्स वेरी केयरफुली बिले दिस इज स्ट्राटेजी कथा आम कौजे है स्ट्राटेजी बुझा थ्रू क्वेश्चन 119 देखु डिग्री पचार 120 आपको पचार रेशियो परसेंटेज पचारा रेशियो पचारा और सब भी वार्ड लिखाई अप्रोक्सीमेटली मार्क कर सब कथा बहुत केयरफुली मुझे एक्सपेक्ट करुच्ची ये भी अप्रोक्सीमेटली ठीक अच्छे। अब यह क्वेश्चन आम सॉल्व करिया मार्क कर जो भी बड़ बड़ नंबर दे आपको डीआई से सबुठ इजी डीआई सबुठ इजी सेट थी कमी आम ये करा ये सिंपल मानवे के 30K मानते 30,000 मानवे यहाँ 6,000 अच्छी यहीटा के मानवे राउंड अफ करूँ यहाँ को आप 5,000 मानवे 5,000 ठीक अच्छे। देखो मुझ कौचर यहीटा मानवे यहाँ को एगेन 5,000 मानतु राउंड अफ कर दिखाँ 5K यहाँ को मानतु के 11,000 11K मानतु ठीक अच्छे। अब यहाँ देखो टोटाल टोटालटा के टोटालटा अच्छी मानते टोटाल पाई चार्टर समेसनटा के 11+5 के बिले 16+5 के 21+6 21+6 के 27 27+30 के 57 मु 57,000 ने 57 रु ही कैलकुलेशन करी कहीं ना रेशियो की परसेंटेज हो कौन कंपैरिजन
57,000 नियंतु कि 57 नियंतु किछि डिफरेंस पड़िबनी केना एटा होची अल्टीमेटली कंपैरिजन 57 रे हमें करिया कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल एटा जे पचार छी यदि एक्सटर्नल असिस्टेंट पचार छी मु 11 आउट ऑफ 57 कथा कहिबी 11000 57,000 देबनी या जीरो कैंसिल हो जीवो राइट ओके देखो दुया क्वेश्चन को मु करिया क्वेश्चंस केमती अटेम्प्ट निया हो देखो नियरली अबाउट 20% ऑफ द फंड्स आर टू बी अरेंज थ्रू 20% ऑफ द फंड्स आर टू बी अरेंज थ्रू 20% कथा कहि जिबले देखंतु बले गोट मार्क करंतु एडी एसपीबीएस एटा तो ओरल क्वेश्चन दे हला केमती आपण करिवे जदी आपण को कांसेप्ट क्लियर थिवो आपण बुझचंद 20% होजी केते 1/5 हला 1/5 आपण कर एट देखंतु टोटल टा केते अछि टोटल पाई चार्ट टा होची 57 एडिशन टा 57 57 रो 10% केते बले 57 रो 10% केते 5.7 57 रो 10% होची 5.7 20% केते 11.4 उठी अच्छी एट एगार है दैट इज ऑप्शन बी 20% कथा कहली बुझिपार परसेंटेज क्लास करते बुझिपारे 118 देखु एनएचएआई को रिसीव टोटल ऑफ 9695 क्रोर्स एज एक्सटर्नल असिस्टेंट बाय व्हाट परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली शुड इट इनक्रीज मार्केट बोरोइंग टू अरेंज शॉर्टेज ऑफ फंड्स एटा सबुठ इजी क्वेश्चन बट जहाँ कनसेप्ट क्लीयर नदी जदि आप नंबर को नहीं क्याकुलेसन करेंगे 9695 है डीआई बहुत लंबा होने आप डाटा इंटरप्रिटेसन करना आप डाटा क्याकुलेसन करमक डाटा इंटरप्रिटेसन कर देख टे छोट कर देखु बिले एनएचआई को रिसीव टोटाल एति क्रोर्स आज एक्सटर्नल असिस्टेंट मैंने एक्सटर्नल असिस्टेंट अच्छी अच्छी बट आम रिसीव कले एनएचआई एति रिसीव कला ठीक अच्छे अबिका आप या भितर 11486 रु एटा सब्ट्रैक्ट करिवेनी आप सिंपल 11 आउ एठी 900 माने 9 11 आउ 9 रे कैलकुलेशन करिवे कहिना आमे कैलकुलेशन करिया टोटल 57 उपरे बुझि परले 11 आउ 9 केते डिफरेंस अछि बिले 2 अछि डिफरेंस 2 अछि डिफरेंस आमुकु पचारछि क्वेश्चन रे कोन परसेंटेज कथा पचारछि एक्चुअल नंबर पचारनी बुझि परले ओके सो देखों 2 अछि कम 11 रो 9टा केते कम अछि 2 कम अछि एडजस्ट करिया पडिबो एठी ठीक अछि एठी करिया पडिबो एडजस्ट कने कहिछि आपनकु कोडी मार्केट बोरोइंग कथा कहिछि देखंतु अरेंज फॉर शॉर्टेज ऑफ फंड्स कौन मार्केट बोरोइंग आपको एडजस्ट करिया पडिबो ताहले केमती एडजस्ट करबी 2 जदि मोर कम हेछि पिले 2 जदि देखंतु 2 जदि कम हेछि ताहले 2 मते एठी एडजस्ट करिया पडिबो 2 एठी एडजस्ट करबी एठी ऑलरेडी मु मानिथली कि 30 मानिथली 2 करबी एडजस्ट 2 होची इंक्रीज 82 कम है 28 बढ़ो तम 30 रु है 32 मार्क करूँ केयरफुली 30 रु 32 तम 2 बढ़ला ऑन द बेस ऑफ 30 2 बाय 30 व्हिच इज 1 बाय 15 केते परसेंट 6.66% माने ऑप्शन रे चेक करिया 6.66% 6% गोटे अच्छी दैट इज ऑप्शन सी बुझेली बोल टाइम लगला ओरल क्वेश्चन कि नाई 9 11 2 कम आप देखिए 2 30 2 बाय 30 1 15 6.66 ओरल क्वेश्चन नेक्स्ट सो ये सब हूँ अप्रोच सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू मार्केट बोरोइंग सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू मार्केट बोरोइंग ये सेंट्रल एंगल पचार 50% करदेवे ये है परसेंटेज पचार नहीं ये एंगल दिखाई बुझे ये आपको डिग्री दिखाई है मार्क करूँ ये आपको दिशु देख टे मार्क करूँ बोले ये करदे सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू मार्केट बोरोइंग मार्केट बोरोइंगटा केते 30 के 30 धरना करिया आमे जानचोंदि टोटलटा 100% ता होची 360 डिग्री सो 1% ता होची केते बिले 3.6 डिग्री इजंट इट 3.6 डिग्री दरकार मते केते केते परसेंट दरकार मते टोटल 100% ता केते कि टोटल पाई चार्टटा होची 57 मु आपन कहितली टोटल पाई चार्टटा कमे अज्यूम करचोंदि 57 100% ता होची 57 आमुकु दरकार मार्केट बोरोइंग केते 30 आउ 57 केते अप्रोक्सीमेटली हाफ टू टिके अधिका अरे 30टा 57 रो केते परसेंट 60 रो 30 होची हाफ अबिका 57 रो टिके अधिका 57 रो 30 केते अप्रोक्सीमेटली 52% अप्रोक्सीमेटली 52% ता माने 1% जदि 3.6 ताले 52% ता होची केते 52 3.6 दैट इज 187 ऑप्शन सी बुझिपारे अरे बुझ पार्चन ना ना सिंपल एमती करेंगे यहाँ हूँ हाफ जब आप हाफ मानवे जदि गोटे पिला किसी भी जाननी से कह यहाँ पूरा कंप्लीट हाफ 57 रिश हूँ हाफ 360 हाफ के 180 तो 180 पाखापाखी हम आंसर
180 पाखापाखि हम आंसर कौन हम ऑप्शन सी हम करेक्ट बुझिपारे नेक्स्ट मूव करिया अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ फंड्स टू बी अरेंज थ्रू टोल दैट एंड थ्रू मार्केट बोरोइंग अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ फंड्स टू बी अरेंज थ्रू टोल एंड थ्रू मार्केट बोरोइंग अप्रोक्सीमेटली टोल आउ मार्केट बोरोइंग चेक करूँ टोल कुआ गला टोल आउ मार्केट बोरोइंग एटा आम कौन मानते रेशियो यटा को मानते पाँच मैंने पांच हजार पाँच यटा के दिस इज तीस अप्रोक्सीमेट रेशियो पचार पाँच आउ तीस रेशियो के वन बाय सिक्स है सो आंसर हम के बिले वन बाय सिक्स ऑप्शन बी हम करेक्ट है गोटे से सल्व करदे है तो आप्रोच आप बुझे बोले टाइम लगेगा जदि आप जानी था आप्रोच ए सेट आप विदिन टू मिनिट्स गोटे सेट कम्प्लीट बुझे यहाँ था कैलकुलेटिव सेट बोले आटा पिला यहाँ आप कैलकुलेटिव सेट देखो नंबर सब चेक करूँ नंबर सब कैलकुलेटिव अच्छे कि नहीं 29,952, 11,486 ये सब कैलकुलेटिव नंबर्स अच्छे है सो एम सब सेट्स मुझे सल्व करी आप चेक करूँ एनी चैनल ओएसएससी सीजीएल डीआई जो चैनल सल्व करेंगे आप चेक करूँ जो क्वेश्चन आम के अटेंड नौ अलग जब कोई कंपनी वाला जब कर ना तो नहीं पारे कोई कंपनी जब सल्व कर ओएसएससी सीजीएल पेपर आप डिफरेन्स मार्क करूँ कि फैकल्टर डिफरेन्स कौन भल टीचर पाखे पढ़ले कनसेप्ट क्लारिटी पाए एग्जाम जल्दी क्लीयर हम जो टीचर ये क्याकुलेसन करुव नंबर्स नहीं कि आडिशन सब्ट्राक्शन मल्टीप्लिकेसन करुव सेमती पढ़ले आप कौन ना आपको प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लेंदी होबर्स तो हबार नहीं बुझे तो टीचर पाखे एमती पढ़ा जो मैंने आकचुआल आप्रोच शिखौंट है तो सही जिनस करूँ बाकी आपे जज करेंगे डीआई सेसन्स मुझ करी आगे पर यार कम्प्लीट डीआई मुझ सल्व करी अल दि सेट्स आम क्लास चेक करूँ एनी प्लाटफर्म चाहे आप पेड्रे पढ़ुं यदि कोई कोचिंग क्लास चेक करूँ और फ्री प्लाटफर्म चेक करूँ आप निजे डिफरेन्स फिगर आउट करेंगे है ना दैट्स इट आई स्ट्राटेजी आपको कहली बाकी आम क्वेश्चन सल्व करा डीआई कम्प्लीट क्लास मुझे करी आपड़ आहरी बेटर बेटर आप्रोच जानवे तो आज नटसेल मुझे कौन कहली आपको गोटे जिनस कहली कौन परसेंटेज रेसीो जब आप परसेंटेज रेसीोर आवरेज जब दिखाई तेल आकचुआल नंबर दरकार नहीं आमर रेसीोर काम हो गोटे जिन जब क्वेश्चन में आपको आकचुआल नंबर दीजिए ऑप्शन रे मार्क माई वर्ड्स केयरफुली जदि ऑप्शंस रे स्टार मार्क कल बिले वर्ड्स को मार्क करूँ जदि ऑप्शन रे आपको आकचुआल नंबर दे मैंने ऑप्शन जो अच्छे ऑप्शन रे परसेंटेज ना आकचुआल नंबर दिखाई तालोले आपको आकचुआल नंबर दरकार है जदि ऑप्शन रे आपर परसेंटेज और रेशियो और एवरेज कथा पचारिटी आकचुआल नंबर दरकार नहीं रेशियो काम होता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर सॉल्विंग डीआई डीआई एटा नुह पे स्पाई चार्ट कि बारग्राफ कि स्पाइडर चार्ट दैट इज नॉट से आप इंटरप्रिट करेंगे डाटा इंटरप्रिट करना सल्व कराटा हूँ डीआई डाटा कैलकुलेशन डाटा इंटरप्रिटेशन नुह आपड़ पाई चार्ट को निजे पढ़ी पारे कि डाटाटा को आम एक्सट्राक्ट करदे बट डाटा को कैलकुलेशन केमी करेंगे दैट इज हाउ द आर्ट ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन मैटर्स ठीक अच्छे तो ये सब जिनमें शिखिया बट आम शिखिया नहीं गप कहीकिना स्ट्राटेजी सेमती नुह जितने मुझे आप डीआई सल्व करी कंप्लीट ओएसएससी सीजीएल पेपर आउ टिके पर आसो मे बी आउ वन आवर टू आवर भितर आपको डीआई कंप्लीट सल्यूशन मिल जाव अल दि सेट्स आठी आप्रोच शिखिपर कि परसेंटेज केमी आप्रोक्सीमेसन नौ सब जिन आपकी फ्रैक्शन कंपेरिजन कराऊँच सब आप्रोच आपको सही शिखे है सो दैट्स इट थैंक यू सो मच।